हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, ये गाड़ी टाटा 407 SFC CNG है। दोस्तों, इस गाड़ी में दिक्कत ये हो रही है कि कोई सा भी गियर डालते हैं गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। तो आइए चलिए गाड़ी को स्टार्ट करके गियर डाल के चेक करते हैं कि गाड़ी आगे बढ़ती है या नहीं। तो गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है। अब स्टार्ट करके इसको पहला या कोई सा भी गियर डाल के आगे वाला गियर डाल के चेक करेंगे गाड़ी आगे बढ़ती है या नहीं। दोस्तों, ये पहला गियर डाल दिया है। अब धीरे धीरे क्लच छोड़ रहे हैं और रेस्ट दे रहे हैं। गाड़ी हिल भी नहीं रही, स्पीड मीटर भी आगे नहीं बढ़ रहा, गाड़ी चल ही नहीं रही। गाड़ी को सेकंड गियर में डालने के बाद भी क्लच छोड़ के और रेस्ट दे रहे हैं, तब भी गाड़ी आगे नहीं चल रही। हल्का रेस दे के पूरे ही क्लच को छोड़ने के बाद फिर भी गाड़ी नहीं चल रही। क्लच को पूरी तरह छोड़ दिया है। अब इसके टायरों को चेक करते हैं। क्लच पूरी तरह छोड़ने के बाद भी टायर बिल्कुल जरा सा भी नहीं हिला। इसका मतलब दोस्तों, और हमने सापट भी चेक किया, सापट इसका नहीं घूम रहा है, इसका मतलब इसकी क्लच प्लेट में ख़राबी है। तो आइए चलिए दोस्तों, इसके क्लच प्लेट को खोलते हैं। क्लच प्लेट को खोलने के लिए सबसे पहले सापट के 6 वोल्ट को खोल लेंगे। उसके बाद हाउजिंग के अंदर लगी इस क्लच के कवर को भी बाहर निकाल लेंगे खोल के। गियर के सारे बोल्टों को खोलने के बाद इस गियर को
बड़े आराम से इस गाटरी पे टिका लेंगे। गियर दोस्तों भारी है, सावधानी के साथ इस गियर को उतार के इस गाटरी के ऊपर टिका लेंगे। गियर हमारा उतर चुका है, अब इसके बाद इस में क्लच बैरिंग को निकालेंगे। क्लच बैरिंग को निकालने से पहले इसके लॉक को बाहर निकालेंगे। इस दोनों लॉक को बाहर निकाल के इस बैरिंग को बाहर निकाल लेंगे। बैरिंग को निकालने के बाद इस प्रेशर प्लेट को खोल के बाहर निकालेंगे। इसके लिए इस 13 नंबर वाले बोल्ट को एक एक करके इन सारे 6 बोल्ट को खोल के इस फिंगर को बाहर निकालेंगे। इस प्रेशर प्लेट वाले सारे बोल्ट को खोलकर इस प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट को एक साथ बाहर निकाल लेंगे। क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट बाहर निकल गया है, फ्लाईव्हील हमारा बिल्कुल ठीक है। इसका क्लच प्लेट का लेदर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। गाड़ी स्लिप मारने और आगे ना बढ़ने के कारण इस क्लच प्लेट का है। दोस्तों हमारे इस प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट में ज़्यादा दिक्कत ना होने के कारण हम इस क्लच प्लेट में लेदर को जड़वाने वाले हैं। क्लच प्लेट हमारा ठीक है, ये है TVS का लेदर। क्लच प्लेट पे लेदर की जड़ाई हो चुकी है, अब इस क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को फिटिंग करते हैं। तो आइए चलिए फिटिंग करते हैं। अब क्लच प्लेट को फिट करने से पहले इस क्रैंक के बैरिंग में हल्का सा ग्रीस लगाएंगे। ग्रीस को लगाने के बाद इस प्रेशर प्लेट को फिट करेंगे।
से पैर खोल कर सकल सही ओके दोस्तों। क्लच प्लेट की सारे फिटिंग हो चुकी है, अब गाड़ी को स्टार्ट करके क्लच प्लेट को चेक करते हैं। गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है, अब क्लच दबा के गियर को डाल रहे हैं। गियर डालने के बाद अब क्लच छोड़ के देखते हैं कि गाड़ी सही हुई कि नहीं और टायर हिल रहा है कि नहीं, के बाद टायर को चेक करते हैं।